आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ जिला मुजफ्फरनगर कार्यालय पर बुलाई गई है, वो उसका एक मेन उद्देश्य है कि कल 13 तारीख में जेल में मुलाकात करने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी आए थे, और मुलाकात के दौरान कुछ बातें उनकी हुई। जिला अध्यक्ष उपकार बावरा विकास मेडियन अर्जुन गौतम, उन लोगों से कुछ बातें हुई तो उसका निष्कर्ष निकल के आया कि 1 दिसंबर से हम लोग देशव्यापी आंदोलन, जो 2 अप्रैल में हमारे निर्दोष साथी जेल में बंद है जिनके ऊपर रासुका लगी, जो साथी शहीद हुए उनको न्याय दिलाने के लिए 1 दिसंबर से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिला मुजफ्फरनगर से इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह का आंदोलन होगा ये आंदोलन? सिर्फ जिला प्रशासन और शासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से कि पूरे मामले की, 2 अप्रैल के पूरे मामले की जाँच की जाए और निर्दोष जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए तुरंत, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो उपद्रवी लोग थे जिन्होंने वो दंगा भड़काया, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक तो पूरा मामला संदिग्ध है, कोई भी दोषी करार नहीं दिया गया। बदले में हमारे SC ST के लोगों को ही जेल में बंद कर दिया गया था। उसी के विरोध में सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से हम पूरे देश भर में एक आंदोलन चला रहे हैं, वो हर जिले, हर शहर, हर जगह से लगेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल सके।